हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ एंड प्योर। आज मैं आपको डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज के डाइट के बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों की डाइट लगभग एक जैसी ही होती है। रीजन बीइंग कि डायबिटीज में भी हमें वेट मैनेजमेंट करना है। डायबिटीज के सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें वेट लॉस में रखने हैं। तो हम जानेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना है जिससे हमारा वेट लॉस प्रमोट हो और हमारा डायबिटीज कंट्रोल में रहे। सबसे पहला, रिफाइंड सीरियल्स अवॉइड करेंगे, जैसे मैदे से बनी हुई चीज, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो। घर में हम मट्ठी, नमकीन वगैरह बनाते हैं, उसको अवॉइड करेंगे। कोई भी बाहर का जंक अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें मोस्टली मैदा और फैट होता है। साथ ही आपको एरिएटेड ड्रिंक्स भी अवॉइड करना है, जूसेस अवॉइड करना है क्योंकि इसमें फ्री शुगर्स बहुत होते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपको एरिएटेड ड्रिंक्स, जूसेस बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एल्कोहल कंजम्पशन भी ना के बराबर रखना है। दूध में फुल क्रीम दूध अवॉइड करेंगे। फ्राइड ऑयली जैसे पराठा, पूड़ी, कचौड़ी या फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये भी जंक में इंक्लूडेड होता है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। फल और सब्जी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आम, केला, अंगूर, लीची, शरीफा, चीकू, और कंद में आलू, अरबी, जिमिकंद, शकरकंद। ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल ही ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते। खा सकते हैं, बट अगर शुगर कंट्रोल चल रहा है तो स्मॉल अमाउंट पे केला भी ले सकते हैं आप, आम भी ले सकते हैं। बट जो वेट लॉस पर है वो इसको अवॉइड करें। रीजन बीइंग कि इसमें शुगर्स कंटेंट थोड़ा हाई होता है, तो इससे आपका वेट बढ़ने का चांसेस है और डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर बढ़ने के चांसेस है, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो चीनी इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं, वेट रिडक्शन पर हैं, तो आप 2-3 चम्मच चीनी ले सकते हैं। कोशिश करिए अगर अवॉइड कर सके तो बेटर रहेगा। मीठा आपको अवॉइड करना है, चाहे वो केक, पेस्ट्री हो या कोई भी मिठाई। आपको ध्यान रखना है कि आप खाते समय जो आप सर्विंग लेंगे, जैसे आपने खाने में अपना खाने का प्लेट अपना लगाया, तो उसमें सेकंड, थर्ड सर्विंग्स ना लें। उससे आपको खाने का अंदाज नहीं रहेगा, तो ओवर ईटिंग होगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप लंच सबके साथ करते हैं, तो ध्यान रखें जो अपना खाना आप लेकर गए हैं आप वही खाइए। हम जनरली क्या करते हैं कि जब हम कैफेटेरिया में जाते हैं या अपने कलीग्स के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो उनके प्लेट से भी थोड़ा सा ले लेते हैं पोर्शन, या तो कैफेटेरिया में कुछ पसंद आता है तो अपने खाने के साथ उसको ऐड करते हैं। तो ये एड ऑन कैलोरीज होता है जो आपके वेट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ना कि रिड्यूस करने में। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला है हमारा मील टाइमिंग का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी 24 घंटे का जो रिदम होता है आपके खाने का, आपके सोने का टाइम, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने का टाइम इधर उधर ना हो। जो आपका मील पैटर्न होना चाहिए वो 7 मील पैटर्न होना चाहिए। अगर 7 मील पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो वेट लॉस और शुगर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलता है। 7 मील पैटर्न इंक्लूड करता है आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इस बीच में स्नैकिंग, जो 3-3 घंटे के बीच का गैप होगा, जैसे मान लीजिए आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो 10:30 से 11 बजे के बीच में एक स्नैक ले लिया, फिर 2-2.5 बजे आपका लंच हो गया, फिर 4 से 4:30 आपने एक स्नैक लिया, फिर 8-8:30 बजे डिनर, और डिनर के बाद एक हल्का फुल्का कोई स्नैक, और लाइकवाइज अर्ली मॉर्निंग भी कुछ लिया। तो इससे होता है आपका 7 मील पैटर्न कंप्लीट होता है। तो इस 7 या 8 मील पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आपको वेट रिडक्शन में हेल्प मिलेगा, आपके शुगर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि खाने में आपको साबुत अनाज इस्तेमाल करना है, छिलके वाली दाल हो गई। अगर आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आटे को छन्नी से ना छाने, हो सके तो आटे में थोड़ा जौ का आटा मिलाएं क्योंकि उससे फाइबर कंटेंट बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट राइस खा सकते हैं, लेकिन व्हाइट राइस अवॉइड करें। पारबॉयल, जिसको सेला चावल भी कहते हैं, या ब्राउन राइस लें, उसका भी आप बॉयल करके पानी निकाल के यूज करें तो उसका स्टार्च निकल जाता है। जब भी आप चावल खाएं तो साथ में ध्यान रखें सैलड जरूर लें, और छिलके वाली दाल या ऐसे कुछ चीजें, स्प्राउट्स वगैरह यूज करें। इससे आपका जो उसका ग्लाइसेमिक लोड है वो घट जाएगा और आपको
फ्री शुगर आपके ब्लड में नहीं जाएगा, तो उससे ना शुगर लेवल इंक्रीज करेगा ना ही आपका वेट गेन होगा। और पोर्शन साइज तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, तो राइस वगैरह थोड़ा सा कम ही यूज करें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल क्रीम दूध जैसा मैंने बताया नहीं लेना है, तो स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। अगर स्किम्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो डबल टोन दूध, अगर गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एक मलाई उतार के आप इस्तेमाल करेंगे, उसी का दही और उसी का पनीर। दिन में दही लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक मील में दही रखिए या छाछ रखिए। हम प्रमोट करते हैं दही लेना क्योंकि वो प्रोबायोटिक होता है, तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका खाना अच्छे से हजम होगा, तो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उसे आराम से चबा के खाना है, क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने में टाइम लगता है कि आपका पेट भर गया है। तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो आपके ओवर ईटिंग करने के चांसेस ज्यादा हैं, और उससे शुगर लेवल और वेट दोनों बढ़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, खाते समय खाना पर ध्यान रखना है, आराम से बैठ के खाना है, और खाने को अच्छे से चबा के खाना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है जिस पर हमें ध्यान रखना है वो है फैट। फैट इंटेक हमें कितना रखना है, खाने में जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं वो 3 से 4 चाय का चम्मच ही इस्तेमाल करें। अगर आप घी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी 3 से 4 चाय के चम्मच के अंदर ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये पर हेड है, तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको दिन भर में कितना ऑयल यूज करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कोशिश करें खाने के 10-15 मिनट पहले एक ग्लास पानी पी लें, तो इससे आपको पेट पर फुलनेस की फीलिंग आएगी और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका डिनर हो वो सोने से कम 2.5 घंटे पहले हो। डिनर करने के 1 घंटे के बाद हो सके तो थोड़ा सैर कर ले, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। खाने में नमक आपको 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर किसी को बीपी की शिकायत है तो नमक थोड़ा और कम कर सकते हैं। अगर बीपी की शिकायत हो तो आप पत्तेदार सब्जी जो बना रहे हैं उसको पानी में भिगोकर 1 से 1.5 घंटे छोड़ दें, फिर वो पानी फेंक कर उसे पका कर खाएं। ऊपर से किसी चीज में नमक ऐड ना करें, जैसे आटा गूंथते वक्त या चावल बॉईल करते समय नमक ऐड ना करें। हेल्दी स्नैक और हेल्दी ड्रिंक के ऑप्शंस आपको चूज करने हैं, जैसे डाइट मिक्स हो गया जिसको घर में बना लिया, अगर डाइट मिक्स नहीं बना सकते तो रोस्टेड चना हो गया, या आप मखाना खा सकते हैं, या पॉपकॉर्न यूज कर सकते हैं। ड्रिंक में नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, कोई हेल्दी स्मूदी या सब्जियों का जूस आप यूज कर सकते हैं, या घर में बना हुआ सूप। पैकेज्ड वाला सूप आप यूज ना करें तो बेहतर रहेगा। फल की क्वांटिटी 150 से 200 ग्राम तक रखना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फल आप 150 से 200 ग्राम में आप कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन अगर शुगर लेवल हाई है तो जो फ्रूट्स मैंने रिस्ट्रिक्टेड बताए उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका शुगर लेवल और आपका वेट दोनों बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं हार्ट पेशेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हार्ट पेशेंट्स ध्यान रखेंगे कि उन्हें नट्स ज्यादा अलाउड नहीं है, 5 से 8 ही ले सकते हैं। तो जैसे आप 3 बादाम 2 अखरोट ले लिया, या कभी अगर आपको किसी डेजर्ट में डालने का मन है तो थोड़ा सा नट्स यूज कर सकते हैं। किशमिश, खजूर, अंजीर वगैरह थोड़ा सा ले सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो वेट लॉस पर है या जो डायबिटिक है वो काजू, किशमिश, खजूर, अंजीर और नट्स थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, कैलोरी ज्यादा है, तो वेट गेन होने के चांसेस हैं, और बाकी चीजों में शुगर ज्यादा होता है तो डायबिटिक पेशेंट्स को वो नुकसान पहुंचाएगा। लाइक डायबिटिक और वेट लॉस की स्किम दूध ही हार्ट पेशेंट्स को यूज करना है, फाइबरस चीजें यूज करना है, सैलेड, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करना है। एक चीज हर किसी के लिए मैं बोलती हूँ, ध्यान रखें और कोशिश करें इसे फॉलो करने का, कि जो सीजन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल होता है आप उसी को खाएं। ऑफ द सीजन इम्पोर्टेड ग्रेन्स, इम्पोर्टेड फ्रूट पे ज्यादा एम्फसाइज ना करें, क्योंकि जो चीज आपके कंट्री में उगता है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचता है। अगर आप फॉरेन वाले या विदेशी चीज को खाने की कोशिश करेंगे तो आप इमेजिन करिए कब पैक होगा और कब आप तक आएगा, तो उसमें प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी भी ज्यादा है और उसका न्यूट्रिशन लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो आप जो आपका लोकली अवेलेबल होता है, जो फ्रूट वेजिटेबल है, आप कोशिश करें उसको कंज्यूम करने का, और सीजन में। इन सारी चीजों के अलावा हार्ट पेशेंट के लिए एक स्पेशल नोट है कि वो ध्यान रखे, अगर डॉक्टर ने उनको पानी का रिस्ट्रिक्शन बोला हुआ है
तो अगर पानी का रिस्ट्रिक्शन बोला है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको खाना प्लान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने आपको 1.5 लीटर तक पानी का रिस्ट्रिक्शन बताया है, तो 1.5 लीटर सिर्फ पीने का पानी नहीं होता है जो आम तौर पर लोग समझते हैं। 1.5 लीटर आपके पूरे खाने में जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसमें होता है। चाहे आप दाल बना रहे हैं, आप चाय यूज़ कर रहे हैं, आप दलिया बना रहे हैं, सब में जितना लिक्विड जाता है वो उसको कंबाइन करके 1.5 लीटर होता है। तो उस हिसाब से आपको बाइफर्केशन करना है। मैं आपको अब एक मील प्लेट दिखाने जा रही हूँ जिसको आप बहुत ध्यान से देखिए। उसमें लगभग आधा पोर्शन जो है वो फल और सब्जियों से भरा है, एक हिस्सा उसका साबुत अनाज से भरा हुआ है जो कॉम्प्लेक्स का आप बोलते हैं, थोड़े से पोर्शन में हमने दाल रखा है या नॉन वेज में चिकन, अंडा या फिश दिखाया है, और बहुत थोड़े से पोर्शन में फैट है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं, तो नॉन वेज की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है 2 से 3 पीस हफ्ते में, मैक्सिमम 2 बार। हार्ट पेशेंट हैं तो नॉन वेज पर स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको कम लेना है क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई होता है। इस मील प्लेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, आपका हार्ट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा और आपको वेट लॉस मिलने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसी प्रोपोर्शन में खाना खाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ और जानना चाहते हैं या आप पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें हमारे ईमेल आईडी info@healthforever.co.in पर मेल करें या हमें मैसेज बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने का। अगली वीडियो पे मिलूंगी फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।